अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा ब्लॉग है वो है अफ्तारी ब्लॉग है। तो अफ्तारी के लिए हम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमने कुकिंग की है, चीज़ बनानी है, वो है हमारी क्रीमी डिलाइट। तो वो हम अफ्तारी के लिए बना रहे हैं। उम्मीद तो है सहरी तक बच जाएगी, अगर बच गई तो, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, आपको पता है स्वीट डिशेज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये डालूंगी। मैंने कंडेंस मिल्क और क्रीम को मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पिंक फूड कलर डाला है। आप चाहें तो ना डालें, क्योंकि कंडेंस मिल्क का अपना प्यारा सा कलर होता है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है, जल्दी इसके अंदर मिक्स करेंगे। क्या तैयार किया गया है आज, तो इस काम में तो सवर ने भी काफ़ी हेल्प की है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। ये अब आप लोग बताओ, बिरयानी लेनी है आप लोगों ने, चिकन कढ़ाई लेनी है, जो खाना पसंद करोगे वो बनाएंगे। आज आपका मूड क्या? चिकन बिरयानी बनाते हैं, पुलाव या बिरयानी, ठीक है ना, क्योंकि वो खाई भी जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी मतलब क्या बनाए, फ्रूट हो जाएंगे, उसके अलावा शरबत हो जाएंगे, मिल्क शेक हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी है। या और कुछ पकौड़े हो जाए, पकौड़े भी तो है, हाँ चिकन पकौड़े हैं। तो अब मैं ये बर्तन धो देती हूँ, फ्रेश बर्तन फ्रेश धो के रख लें, ताकि मक्खियों का सीजन है तो बचत रहे। तो मैं हमने पहले स्वीट डिश बनाई थी, अब बिरयानी बनाने लगे हैं, बारबेक्यू बिरयानी। तो अब बिरयानी की तैयारी करते हैं। ये बारबेक्यू बिरयानी की रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी। तो आप शुरू करते हैं इसको बनाना, अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, तो जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं और ये पैन भी है। ये कौन सी बिरयानी बन रही है? बारबेक्यू। बारबेक्यू बिरयानी। इस बाउल में मैं चिकन मैरिनेट करूंगी बारबेक्यू के लिए। चलो हट जाओ अब आप, अब मेरा टाइम हो रहा है। उसके लिए मैंने ये लिया है एक चम्मच बिरयानी मसाला, इसमें मैंने सुर्ख मिर्च डाली हुई है, एक चम्मच दही, ये दो चम्मच दही डाली है, दो चम्मच दही डाली, इसके ऊपर मसाला लगा लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, 10 से 15 मिनट, तो ये मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद इसे पकाना शुरू करेंगे। ये मैंने कोयला रखा है, इसका धुआं देना है बारबेक्यू के लिए। आपको पता है बारबेक्यू में कोयले का होना बहुत जरूरी है, तो ये अच्छी तरह हो जाए। ये ग्राइंड हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये जो बिरयानी मसाला था, मैं ये इसमें शामिल कर देती हूँ। खुशबू आई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा मूड बना है कि आपके साथ अफ्तारी रूटीन अपनी शेयर की जाए, तो रेसिपी में बताया है कि हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। तो बिरयानी के लिए मैंने ये चिकन चढ़ा दिया है, इसको बारबेक्यू कर रही हूँ मैं। बारबेक्यू होने के लिए मैंने ये कोयला भी लिया है, कोयले को आग पर रखा है, ये जब अच्छी तरह जल जाएगा, राख नहीं बनाना, ठीक है ना, वह फिर मैं इसको बारबेक्यू कर लूँगी। तो आज गर्मी भी बहुत है, लेकिन सवाब का काम है अफ्तारी बनाना, और मेरे ख्याल में बनानी भी चाहिए। इंसान सारा दिन भूखा रहता है, बाकी घर वाले भी इस आस पे कि अफ्तारी में अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें खाने को मिलेंगी। तो कोशिश करूँगी कि भाई बेस्ट रिजल्ट आए, क्योंकि आपको पता है टेस्ट तो कोई कर नहीं सकता। तो अब मैं किसको करवाऊँ, बच्चों को करवा नहीं सकते, बच्चों का टेस्ट आपको पता है बहुत ही चेंज होता है। तो ये अब चावल तैयार है, चावल बॉयल है, और ये मसाला मैंने ग्राइंड किया था,
ये उसके अंदर शामिल किया है बिरयानी मसाला के अंदर। वैसे सच्ची बात है आज पहले के दिनों की नस्बत बहुत ही गर्मी फील हो रही है, इंतहाई गर्मी है। तो अब हमें तैयारी कर लो। तो चिकन अच्छी तरह तैयार हो गया है, इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है आपके सामने। अब मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करती हूँ। और अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। ये हमारा बारबेक्यू दम है। तो जनाब हमारी बिरयानी की रेसिपी जारी है, मैंने इसको बारबेक्यू दम दिया है। तो तसव्वुर को कहती हूँ आपको दिखाएंगे, ये फुल अंदर बॉम दम हो गया, ये धुएं से फट चुकी है। तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे रहने देंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे कुकिंग चैनल पे रेसिपी इसकी रेसिपी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए बिरयानी को जल्दी जल्दी बनाते हैं। जी तो बारबेक्यू के लिए हमने पहले चावल डाला है और अब उसके ऊपर चिकन डाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये कुछ वेजिटेबल लिए हैं जिनमें पालक है, धनिया है, आलू हैं, प्याज हैं और टमाटर हैं। इन्हें आपने हल्की आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये इमली का शरबत है जो मैं पहले ही अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, मतलब ये सेविंग है, इसे सेव कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की हमारी इफ्तारी रूटीन कैसी लगी। और ये मैंने तैयार कर ली है बिरयानी, आज की स्पेशल डिश, और इसके बारे में भी आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बताना है। तो मैं इसको ले जाती हूँ बाहर जहाँ पे इफ्तारी का दस्तरखान सजाया गया है। तो चलते हैं, और ये इमली आलू बुखारे का शरबत है, तो चलते हैं इसको मैं ले चलती हूँ। सुरेश को हम छोटा सामान देते हैं ना कि गिरा ही ना दे, तो चलते हैं। जी जनाब तो अफ्तारी में 1 मिनट रह गया है और हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, चिकन पकौड़ा है, बिरयानी है, क्रीमी कस्टर्ड।